इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे। क्या बात है सर। राजनीति हमारे लिए तपस्या है, राजनीति हमारे लिए यज्ञ है। अरे इनके फोन में कलेक्टर लोग उसने सब काम किया। राजनीति हमारे लिए पूजा है। राजनीति में शुचिता का क्षेत्र है, शुचिता का, ईमानदारी का। नहीं के हिसाब से चलिए अपना चिता रखे, तीन जीते हैं ये मान ली। सुचिता और पवित्रता की राजनीति करने वाले राजेंद्र शुक्ला के लिए अभय मिश्रा सेवरिया के विधायक नहीं है, जबकि सेवरिया की जनता ने अभय को विधानसभा भेजा है। अब यदि यह भी कह दिया जाए कि उप मुख्यमंत्री भी कोई संवैधानिक पद नहीं होता, खैर चर्चा करेंगे विस्तार से। राजनीति पहले थोड़ा समझते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज और नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। अब जानिए कि राजनेता कौन होते हैं। राजनेता उस व्यक्ति को कहते हैं जो मूलतः राजनीतिक दर्शन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में कभी भी नीतिगत सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, लेकिन वर्तमान की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो राजनीति में सिद्धांत बचा है और ना ही वसूल। जहां पहले वसूलों की राजनीति की जाती थी और अपने सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े नेता राजनीतिक पद छोड़ देते थे। विद्या की बात की जाए तो सिद्धांतों और शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले कई ऐसे नेता हुए कि राजनीति में एक मिसाल कायम किए, चाहे स्वर्गीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी का दौर रहा हो, अर्जुन सिंह का रहा हो जो कि बड़े पदों पर पहुंचे। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्रीनिवास तिवारी दो बार विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनकी मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी, लेकिन अपने सिद्धांत वाली राजनीति के लिए इनके लिए पद जैसी कोई चीज नहीं थी, अपने पद से इस्तीफा भी दे देते थे। लेकिन वर्तमान की राजनीति में पद पाने का ऐसा दौर चला है कि उसके लिए नेता कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हाल ही में एक वाक्य सामने आया जिसमें ऐसा लगता है कि विद्य की राजनीति के सिद्धांतों को बढ़ाने का जिस पर दारोमदार जनता देखती थी, वह नेता भी अब राजनीति को दूषित कर रहे हैं। सिर्फ पद पाकर या फिर पद के लालच में ऐसा बयानबाजी करना शुचिता की राजनीति को दूषित करता है। आपको बता दें कि रीवा के 5 बार के विधायक कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो कि एक अभिवादित बयान देने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो सोचने को मजबूर करते हैं। या इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे, ये हमको बताएंगे, और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर वलेक्टर उसने सब काम किया। उप मुख्यमंत्री बनाए गए राजेंद्र शुक्ला अब पद पाने के बाद सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने में उतारू हो गए। सबसे पहले आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता। आप इसे इस तरह से समझे, एक ये राजनीतिक पद होता है, ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से साइकिल में सीट होती है जिसमें बैठकर साइकिल चलाई जाती है, एक डंडे में सीट लगी होती है, रोते हुए बच्चे डंडे में बैठते हैं, डंडे वाली सीट में बैठकर साइकिल नहीं चलाई जा सकती, ठीक उसी तरह से उप मुख्यमंत्री का पद भी डंडे वाली सीट जैसा ही होता है। इसलिए एक कैबिनेट दर्जे का मंत्री जैसा पद होता है। यह खुशी की लहर हुई जब राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और होना भी चाहिए, लेकिन इतने बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचने के बाद इस तरह एक निर्वाचित विधायक को विधायक न मानना, नहीं के हिसाब से चलिए अपना चिता रखे, तीन जीते हैं ये मान ली। खुद के पद स्वभाव छवि के प्रतिकूल है। जहां तक राजेंद्र शुक्ला शुचिता और पवित्रता की राजनीति करने की बात कहते हैं, राजनीति में शुचिता का क्षेत्र है, शुचिता का, ईमानदारी का, ऐसे में उनका इस तरह का बयान कि मान लीजिए कि सेवरिया के विधायक केपी त्रिपाठी है यही चुनाव जीते हैं, नहीं के हिसाब से चलिए अपना चिता रखे, तीन जीते हैं ये मान ली।
उनके फोन पर कलेक्टर एसपी काम करेंगे। अरे इनके फोन में कलेक्टर कलेक्टर उसके सब काम। उप मुख्यमंत्री के बयान की शब्दावली में ऐसा लग रहा था कि मतलब कलेक्टर एसपी को तिनके के बराबर समझते हो, कलेक्टर एसपी ऐसे ही होते हैं, केपी त्रिपाठी के कहने पर ही सब काम होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और काम कोई भी कराए, काम से मतलब होता है जनता का भला होना चाहिए, जनता अपनी समस्या किसी के सामने रख सकती है, राजेश शुक्ला हो, केपी त्रिपाठी हो, चाहे अभय मिश्रा। लेकिन यह कहना कि मान लीजिए केपी त्रिपाठी ही चुनाव जीते हैं, यह सीधे तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान है और जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है तो यह एक तरह से जनता का भी अपमान है जिसे अपना विधायक चुना है। ऐसे में एक शुचिता की राजनीति को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है जो कि उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के पद, छवि और व्यक्तित्व के बिल्कुल प्रतिकूल है। अपने एक हारे हुए शागिर्द के लिए राजनीति के सिद्धांतों और वसूलों को इतना गिरा देंगे शायद किसी ने सोचा नहीं हो। आखिर रीवा में 8 में से 7 विधानसभा सीटें तो बीजेपी ही जीती है, सेवरिया में कुछ बदलाव देखा होगा जनता ने तो कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को बहुमत दिया और पहुंचा दिया विधानसभा, और परिणाम के दौरान भी देर रात तक सबने देखा कि किस तरह से सेवरिया सीट का परिणाम देर से घोषित हुआ, तरह तरह के आरोप लगते रहे। और ऐसे में यह हार बीजेपी इतनी आसानी से कैसे हजम कर सकती है तो उप मुख्यमंत्री का बयान देना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि हार के बाद सभी का यही हाल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले विपक्ष का कोई विधायक नहीं था सदन में, ऐसे में उनके काले कारनामों पर कोई सवाल करने वाला नहीं होता था। अब एक विधायक कांग्रेस का है, ऐसे में सदन में अब भ्रष्टाचार घोटालों जैसे सवालों को उठाया जाएगा। खास तौर पर इस विधानसभा सत्र के दौरान पहली बार में ही राजेश शुक्ला को अभय मिश्रा ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब वो सदन में उप मुख्यमंत्री के तौर पर है, ऐसे में यह है अभय मिश्रा की जीत ना मानना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जनता का अपमान है जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। या इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे, ये हमको बताएंगे और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर कलेक्टर उसके सब काम इन जीते हैं ये मान लीजिए राजेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 भैया एक निवेदन है